नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरातल न्यूज में। इस समय मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। गो ग्रीन गो क्लीन यानी पेड़ पौधे लगाकर उसको हरा भरा बनाना, साफ सफाई करना, ये तमाम तस्वीरें हम आपको सीधे सीधे मादा सिगाना गांव की ओर ले चलते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि एक इकाई के रूप में ग्रामीण आंचल रक्षा दल और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति के सदस्य लगातार मादा सिगाना गांव के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं। आज 17वें दिन के दौरान जो आज एंटी ड्रग्स डे है यानी नशे से बचने का जो दिन है, इस उपलक्ष्य में ग्रामीण आंचल रक्षा दल और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति के जो सदस्य हैं, उन्होंने गांव के अंदर नशा विरोधी पोस्टर लगाए और गांव को हरा भरा बनाने के लिए आज 17वें दिन लगातार पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में चौकी प्रभारी श्री प्रेम कुमार जी को बुलाया और प्रांगण में गांव के युवाओं ने, ग्रामीण आंचल रक्षा दल व नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा क्लब के सभी सदस्यों ने गांव के अंदर पेड़ पौधे लगाए और नशा मुक्ति के खिलाफ एक मुहिम चलाई, जिसमें सभी गांव के युवाओं ने संकल्प लिया कि हम ना नशा करेंगे और ना नशा किसी को करने देंगे। और गांव के युवाओं ने खेलों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए भी संकल्प लिया और आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे नज़दीकी गाँव मलेका के पुलिस चौकी इंचार्ज श्री प्रेम कुमार जी व नज़दीकी गाँव मंगाड़ा के यूथ क्लब के सदस्य संदीप कंबोज भी पहुंचे, जिन्होंने युवाओं को खेलों के प्रति सचेत किया और अपनी अच्छी बातें उनको बताई। विद्यालय के मैनेजमेंट डायरेक्टर भारत भूषण जी धायल को भी बुलाया, उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए भी मोटिवेट किया। यानी कि तमाम जो तस्वीरें हैं आप सीधी सीधी धरातल न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि जो युवा साथी है वो गांव के अंदर पोस्टर लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं और पौधे लगा रहे हैं। तो इन सभी साथियों की तरह आप भी अपने गांव के अंदर इस प्रकार के अभियान चला करके समाज को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं। देखते रहिए धरातल न्यूज और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।